हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं दिल्ली में जो है ना मयूर विहार से गई थी, तो वहाँ से मैं नर्सरी से, वहाँ बाहर ओपनली बैठे रहते हैं रोड्स में, तो वहाँ से मैं कुछ प्लांट परचेज किए जो मेरे पास नहीं थे, बालकोनी गार्डन में के लिए लिए हैं मैंने सारे, और कुछ मैंने सिरामिक के पॉट मैंने मंगवाए थे, वही मेरे आ गए थे, क्योंकि मैं बालकोनी गार्डन में ना अपने जो मेरे सीमेंट के पॉट है उनको भी डिस्कार्ड कर रही हूँ, उनकी जगह पे सिरामिक के पॉट, और कुछ मैंने दाने वाले 5 बड़े पॉट बनवाए स्पेशल ऑर्डर देकर, वो मेरे जो उसके है ना मतलब जो मेरे एडिनियम के बड़े बड़े प्लांट है उनमें लगाने के लिए, और जो मेरे अब जो सिरामिक के बड़े पॉट आए हैं उसमें मेरे एडिनियम के 4 छोटे हैं उनको मैं इनमें शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि सीमेंट के पॉट भी ना झड़ रहे थे, और मतलब मिट्टी के पॉट तो आपको पता ही है झड़ता ही है, इवन मैं अपने बालकोनी गार्डन में सिरामिक के पॉट है, फाइबर के पॉट और प्लास्टिक, और फिर ये जो मेरे 5 अभी स्पेशल ऑर्डर देकर बनाए हैं बस इन्हीं को रखूंगी, बाकी मैं यहाँ से निकाल दूंगी। देखिए मेरे इतने सारे सिरामिक के पॉट आए हैं, ये सारे के सारे मैंने परचेज किए, और ये देखिए मेरे, ये मैंने स्पेशल ऑर्डर देकर बनाया है बड़ा वाला, ये 18 इंच में बना है मेरा, ये बड़े वाले एडिनियम के लिए बनवाया है ऑर्डर देकर, और माली हमारे, आज मैंने माली को बोला सिर्फ यही काम करना है, जितने मेरे पॉट्स चेंज होने हैं, जो रिपोर्ट होने हैं वो रिपोर्ट करने हैं, जो मैं नए प्लांट लाई हूँ परचेज करके वो लगाने हैं सिरामिक पॉट्स में, और देखिए पहले भी मैं काफी चेंज कर चुकी हूँ फाइबर के पॉट्स में, काफी प्लांट्स में अपना रिपोर्ट कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं बालकोनी गार्डन में मेरे यही सारे प्लांट दिखे, क्योंकि ना मिट्टी और सीमेंट के पॉट में एक टाइम के बाद झड़ने लग जाते हैं, इवन आप पेंट करके भी रखो ना पानी डालते डालते, क्योंकि मतलब एक टाइम के बाद तो झड़ते ही झड़ते हैं, वो मिट्टी मिट्टी फैलती है, इवन बालकोनी गार्डन में तो मैं नीचे ऐसा वाला मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कि बार बार झड़ते रहते हैं, और फिर उसको यदि इधर से दो उठाने हैं तो उठाते समय भी टूट जाते हैं, तो देखिए आज हम ये देख, ये है मेरा सिरामिक का पॉट जिसमें हम एडिनियम लगा रहे हैं, ये छोटा एडिनियम है, और अभी देखिए ये भी हमारा सिरामिक मतलब जिसमें से निकाल रहे हैं ना हम, वो मेरे सीमेंट के पॉट थे, ये मेरे टेरेस गार्डन में चले जाएंगे, क्योंकि टेरेस गार्डन तो मेरा काफी बड़ा है, वहां पे तो पॉट की जरूरत पड़ती है, वहां वेजिटेबल गार्डन भी है और फ्लावर गार्डन भी है, और वहां पे तो मेरे सारे ग्रो बैग हैं, और सीमेंट के बहुत कम पॉट है और प्लास्टिक के मेरे रह गए, ऊपर से भी इवन मैंने टेरेस गार्डन से भी ना मिट्टी के सारे डिस्कार्ड कर दिए, सिर्फ यही रखे हैं मैं सारे के सारे, जो सीमेंट के अब जो निकल रहे हैं ये चले जाएंगे मेरे ऊपर टेरेस गार्डन में, ये देखिए सारे कितने सुंदर सुंदर सिरामिक के पॉट है, और ये देखिए इनमें सारे जो प्लांट खरीद के लाई थी ना मैं अपने मतलब नर्सरी से, वो सारे के सारे आज हम लगा रहे हैं, रिपॉट कर रहे हैं, क्योंकि वो काफी दिन हो गए थे उनको भी रखे हुए थे पॉट की वजह से उनको लगा नहीं पाई थी, अब पॉट मेरे आ गए थे तो मैंने कहा सारे के सारे रिपॉट कर लेते, कुछ तो ये छोटे छोटे उसमें पॉट्स में थे और कुछ तो थे ना पॉली बैग में थे, तो खराब ना हो जाए, इसलिए देखिए कितने सुंदर, मेरे को ये वाला प्लांट बहुत सुंदर लगता है, और इसको मैं स्पेशली वहां से परचेज छोटा ही लाई हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब मेरे बड़े हो जाएंगे ना तो एक से मेरे काफी बन जाएंगे प्लांट, ऐसे कोई उसकी जरूरत नहीं है कि मेरे प्लांट नहीं बन पाएंगे, काफी बन जाएंगे, देखिए अभी देखिए ना मेरा सारा का सारा सिरामिक के पॉट मैंने लगा दिए, देखिए इसमें एडिनियम लग गया है ऑलरेडी, पहले मैं बहुत सारे चेंज कर चुकी हूँ सिरामिक पॉट्स में, और ये लगने के बाद का बता रही हूँ, ये देखिए ये भी मेरा सारा का सारा सिरामिक के पॉट है जो मैंने परचेज किए थे, सारे लग गए इनमें, और बड़े वाले में मेरे एडिनियम लगे हैं, बड़े वाले काफी बड़े हो गए थे इनका, तो इनके लिए बड़े बनवाए थे, ये भी लग चुके हैं, इस तरीके से मेरा बालकोनी गार्डन देखिए ये सारे का सारा अब नीट एंड क्लीन और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और सारे पॉट्स मेरे चेंज हो गए हैं, अब बस एक रह गया है सीमेंट का, वो भी मेरा उसमें गुलाब लगा है, रोज का लगा हुआ है, वो मैं अब विद इन अ वीक में वो भी मतलब फाइबर का पॉट या सिरामिक पॉट मंगवा के उसको भी इसमें चेंज कर दूंगी, ये है मेरे पूरा बालकोनी गार्डन है, देखिए इतना बड़ा मेरा बालकोनी है आगे का, उसमें सारे मेरे अब ये सारे के सारे चेंज हो चुके हैं, और सारे सिरामिक के पॉट, प्लास्टिक के पॉट्स, आपको फाइबर के पॉट्स मिलेंगे, थैंक यू फ्रेंड।